मन से प्रमुख राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकती है ईडी। आपको बता दें कि 22 अगस्त को ईडी के सामने मन से प्रमुख राज ठाकरे को हाजिर होना होगा। जानकारी के मुताबिक कोहिनूर मिल मामले में राज ठाकरे का नाम प्रकाश में आया था, जिसके बाद इस पूरे मामले की सरगर्मी से जांच चल रही थी। तो वहीं ईडी ने अब राज ठाकरे को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें 22 अगस्त को ईडी के सामने हाजिर रहने की बात कही गई है। तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के बेटे का भी नाम आया है, उन्हें भी 19 अगस्त को ईडी के सामने हाजिर होना होगा। जानकारी के मुताबिक कोहिनूर मिल में इन लोगों के बड़े धांधली और भ्रष्टाचार के नाम आने के बाद ईडी भी इस मामले में नकेल कस रही है। शायद यही वजह है कि पूछताछ के लिए उमेश जोशी सहित मन से प्रमुख राज ठाकरे को ईडी ने बुलाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कवटकर के साथ मुरारी सिंह, एनएम न्यूज, मुंबई। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।